जो दाई आई हिंदू थी, बाहू के चेहरे पर हूं का जलवा था। गुजर जाते हैं चेहरा देख कर लोग कलमा पढ़ लेते हैं। आप बीमार हो गए, डॉक्टर ने आने से इनकार कर दिया, कलमा नहीं पढ़ना चाहता, कमीज ले आओ, कमीज सूंघी, कमीज सूंघता गया, कलमा पढ़ता गया, चेहरा गया। इस कमीज से किसी बीमारी की वो नहीं जन्नत की खुशबू है। लेकिन मैंने भी सलाम कर दिया, मौला ये कमीज की बात चल रही है, ये कुरान में कोई कमीज मौजूद है, आवाज आई हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की कमीज को देखो, ये मूसा को किरामा सात साल चलती है, ये कुरानी फलसफा है, चार दलीलें खत्म हो जाए बाद में सौ दलील बन जाती है, जहां इल्म साकित हो जाए वहां साहिब इल्म अपने अंदर का जौहर दिखा सुल्तान बाहू बड़े वकार के साथ दुनिया को पैगाम देते हैं, खाब पायम आज हुसैन हो आज हसन, ये दोस्त गवाह है। तस्वीर टीवी ने खत्म नबूवत पर काम किया है ना, हजारों गालियां भी तय हो चुकी है, हमने उनको गालियां नहीं दी, इसी तस्वीर टीवी की वजह से पूरी दुनिया में सुन्नी शिया टकराव होने लगा था। दो साल हमने लगाए शिया उलमा पर और उन्हें साबित किया कि वो बातें स्टेज पर न करो जो मुसलमानों को तोड़ दे। आज वो सारे चैनल इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि हम अपना मजहब घर में रखेंगे, स्टेज पर और स्क्रीन पर वो बात करेंगे जो सारे मुसलमानों को सूट करेंगे। हजरत खाब पायम सुल्तान बाहू का पैगाम सुन लो, जश्न बाहू की असलियत समझ लो, खाब पायम अज हुसैन अज हसन मारिफत कश्त अज मारा अंजमन। आपसे पूछा गया आप सुल्तान फखर कैसे बन गए, फरमाया मैंने हसन हुसैन के कदमों की खार को और बाद में यही बात अल्लामा इकबाल ने भी कही, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आग का आके मदीना हो। अल्लाह की गिरामी हमारी आंखें इसीलिए आज रोशन है कि इन रोशनी मदीने वाले की निस्बतों की जो खाक है उसकी। हम पीर मुरीदी के नाम पर पीर परस्ती के कायल नहीं है, हम खुदा परस्ती के कायल हैं। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं यकीन दान दलील दान कि ला माबूद इल्ला हु वला मौजूद फिल कौनैन कि ला मक्सूद इल्ला हु। फरमाते हैं पूछो मुझसे अगर मकसूद हकीकी है तो अल्लाह है, अगर मतलूब हकीकी है तो अल्लाह है। इसलिए हम रसूल को भी इसीलिए मानते हैं कि हमने अल्लाह तक पहुंचे, हम रसूल की आल को भी इसलिए सलाम करते हैं कि हमें अल्लाह तक पहुंचना है, अगर नमाज में हम आल पर दुरूद भेजते हैं तो आगे पीछे भी हमें आल से वही प्यार करना चाहिए। सुभान अल्लाह। हजरत मेरे बाप ने 400 साल पहले उससे हुसैन का आवाज किया, मैं जगह पे गया, मुझसे सवाल हुआ कि आप गम क्यों नहीं करते, मैंने कहा किसने कहा हम गम नहीं करते। सुभान अल्लाह। जब आप उर्स मनाते हैं वो उरूस से शादी से खुशी से, मैंने कहा जब से मैंने हुसैन को उससे मेरे की अग्नि में चढ़ के कुरान पढ़ने देखा है उसके बाद मुझे काम करना भूल गया, मुझे खुशी हो गई है कि मेरा हुसैन मरा ही नहीं। हजरात पढ़ो कीजिए सुल्तान बाहू सुल्तानी वाहिद दरबार है पाकिस्तान में पूरी दुनिया में उर्स होता है हर जगह पे, लेकिन उसका जिसका दरबार होता है ये मेरे बाहू का आस्थान है जहां पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक उससे हुसैन होता है। उसी बात को मैंने समझा और आज मस्जिद हुसैन बना रहा हूं। मैं जानता हूं कि आपके हालात ठीक नहीं है, लेकिन ये भी तो हम मानते हैं जिनके नाम पर आप देंगे
उनको अल्लाह ने बड़ी शानें दी हैं। हम अपना पूरा फोकस इस बात पर कर रहे हैं कि इस वक्त डंडा पर तार मुबल्लिगीन नहीं चाहिए, घर पर तार मुबल्लिगीन नहीं चाहिए, कातिल मौलवी नहीं चाहिए, दहेज मौलवी नहीं चाहिए, फिरका वारियत फैलाने वाले मौलवी नहीं चाहिए, हमें आश के रसूल लोग चाहिए। अस्सलाम वालेकुम कहते हो, क्या कहते हो? उन पर सलामती हो, इधर कान सीधी कर ले। हमने लोगों के ब्रेन वॉश करने हैं इश्क़ के रसूल के, लोगों को कत्ल करने के लिए नहीं। क्या करना होगा? हमें इल्म को फरोग देना होगा। और जब मैं मस्जिद हुसैन की बात कर रहा हूं तो मस्जिद हुसैन क्या है? 10,000 नौजवानों के लिए तालीम का ऐसा देखभाल कि जमाना देखे यहां से कोई दहशतगर्द नहीं निकल रहा है, यहां से आशिक रसूल। सिर्फ पाकिस्तान में 40,000 ऐसे नौजवान और लड़के और लड़कियां जिन्हें जमाने ने यतीम और गरीब कहकर धुतकार दिया था, मेरे बाहु में अपने लंगर के दरवाजों पर खोल इंशाल्लाह। अगर जो जिनके पास पाकिस्तान आना जाना है, अगले साल आप देखेंगे खानिया तहसील में बाहु कंप्लेक्स के नाम से आपकी बेटियों के लिए मास्टर्स तक इश्क़े रसूल का एक किला तामीर किया जाए। गुंजा में, मीरपुर में, झेलम में एक एक शहर को हमने टारगेट कर लिया है। इस कौम की एक एक बेटी को इससे पहले के वो मां बने उसे इश्क़े रसूल का तोहफा दे दिया जाए, ताकि उसे ऐसा इश्क दिया जाए कि उस मां की गोद में कुरान भी हो, उस मां की गोद में मदीने वाले के इश्क का सहार भी हो, बच्चा पैदा सी आशिक रसूल बन जाए। हजरात ये मिशन है और मैं यकीन रखता हूं कि हम तमाम हजरात मस्जिद हुसैन के स्टेक होल्डर बनेंगे, ताकि ये 2 साल के अंदर प्रोजेक्ट मुकम्मल करके फिर हम हर दरबार पर एक मस्जिद हुसैन खड़ी करें, ताकि दरबारों पर मेला लगे तो भर ले ना हो, तमाम दरबारों पर सर्कस ना हो, थिएटर ना हो, दरबारों पर जब भी मेला लगे कुरान का मेला, जिक्र रसूल का मेला लगे। आज लोग हमें ताना देते हैं, हाथ बजाते हैं, इसलिए कि हमारे बहुत सारे नादान दोस्त दरबारों को जाकर दरबार की तरह दीन नहीं करते, अपनी मर्जी से जो आता कर लेते हैं। दीन मेरी और आपकी मर्जी का नाम नहीं है, दीन तो रब की रजा का नाम है, मुस्तफा की मखलूक। हजरत गिरामी इंशाअल्लाह अजीज हमारा और आपका साथ रहेगा, मैं इसी पर इत्तफाक करता हूँ और मैं यकीन रखता हूँ और दुआ भी करता हूँ आपके एक एक मुसद्दे से, आपके एक एक यूरो से आपको शायद फर्क ना पड़े, जिनको अल्लाह ने दिया है वो जरूर इस कारण है हिस्सा ले, लेकिन जिनके पास नहीं है हम उनके लिए दुआ को है, अल्लाह उनको भी इस काबिल कर दे, इस लायक कर दे, वो भी इस रास्ते पर चलते हुए अपने गांव के अंदर एक मस्जिद हुसैन खड़ी कर दे। अल्लाह नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद इंशाल्लाह दुरूद सलाम पर दुआ होगी, अल्लाह ताला आपका हमदुल नासिर हो, और जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है वो यहाँ मेज पर मस्जिद हुसैन का जो हिस्सा रहना चाहते हैं रास्ते जल्दी करें, समय सीढ़ी कर लें और